आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज 19 मार्च है, आपके पहले शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने लेकर आ गया हूँ। और सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल पाए कि एग्ज़ाम में किस क्षेत्र से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और आपको किसके ऊपर फोकस करना है। और अगर आज के शिफ्ट की बात करूँ जीके को लेकर, स्पेशली जीके को लेकर, तो आप बोल सकते हो कि CGL और रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ आज का सिर्फ थोड़ा सा टफ था जीके के मामले में। क्वेश्चन आप सभी का शेयर करता हूं, आप सभी ध्यान से देखना, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, शायद 18 क्वेश्चन मुझे 25 में एग्जैक्ट मिल पाया है अभी तक। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने वो यह है, पहला क्वेश्चन तो आपका आसान था, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी है सुकुमार सेन, क्योंकि जो SSC की तैयारी कर रहे हैं बहुत शुरुआती स्टेज में ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नो डाउट सुकुमार सेन सभी ने किया होगा इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अलाहाबाद ट्रीटी जो है वो कब साइन हुआ था, ये आप सभी से पूछा था बस क्वेश्चन में। तो 1765 में आपका ये साइन हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था तो वो भी आप देख लेना, मुगल एम्पायर शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये साइन हुआ था, ये भी आप सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि तीसरा जनरेशन हो व्हाट इज, क्या आविष्कार किया गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, आपको बताना। सभी को पता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी कॉमन क्वेश्चन आप बोल सकते हो क्योंकि ये तो मतलब आपको बहुत सारे सेट में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था कि बूटेन का केमिकल फॉर्मूला का नाम क्या है, तो C4H10, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन आपको देखने को मिला है आज के एग्जाम में। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर शिफ्ट से, क्योंकि आप तो अदर शिफ्ट से कंपेयर करेंगे ना, तो देखोगे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है आज के शिफ्ट में। लेकिन इतना तो है कि आप 18-19 ईजिली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या बोला था, भूकंप तरंग कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्मिक वेव, टू टाइप, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने था, एक क्वेश्चन हमारे सामने ये था, आपसे पूछा गया था यहां पर कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पूरे विश्व में कहां पर है, तो ये है लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में है। और उस स्टेडियम का नाम क्या है, तो गद्दाफी हॉकी स्टेडियम। हालांकि इसको हम लोग नहीं, वहाँ पर सभी बोलते हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम। और इसी का पाकिस्तान ने नाम क्या दिया है, गद्दाफी हॉकी स्टेडियम, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बस इतना सा पूछा था आप सभी से कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बोलते हैं, पाकिस्तान लाहौर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आया था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ मून, और वो कितना है, 1737.1 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पहला विंटर ओलंपिक कब खेला गया था। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, यानी आप बोल सकते हो इतना डीपली आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। यानी पहला शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, तो 1924 में। मैं बार बार बोल रहा हूँ आज के शिफ्ट वाले जो भी, और हाँ आप टेंशन मत लेना जिनका भी आज एग्ज़ाम था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो आपको होगा ही होगा, ये आप लेकर चलो। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि भैया आज का शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यहाँ पर बोला है शतरंज से कौन संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन वहाँ पर होंगे आपके एग्जाम में, और जो आपका एक ऑप्शन था ना वहाँ पर, ये ऑप्शन था आपका डिंग लेरिन, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। और हो सके आपके एग्जाम में अगले शिफ्ट में या कभी पूछ दे डिंग लेरिन जो है वो किस देश से हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये चीन से हैं। कहाँ से, ये चाइना से हैं आपके डिंग लेरिन, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ से है, चाइना से। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, शतरंज से संबंधित कौन है, चार ऑप्शन आप सभी के सामने था, उसमें से जो सही आंसर आपको मारना था वो था आपका डिंग लेरिन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है वो ग्रीन कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, तो टेनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट प्लेड ऑन द ग्रीन कोर्ट, एंड योर आंसर इज टेनिस। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में ये बना था, टमाटर में कौन सा एसिड जो है वो मौजूद होता है,
ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो देखो आपके एग्जाम में अगर मैं सही मायने में बोलूं तो तीनों आंसर सही है, तीनों। अब बहुत जन पढ़े होंगे आपको ऑसिलिक एसिड, बहुत जन साइट्रिक भी और मैलिक भी बोलते हैं, तीनों एसिड हार्डली कि तीनों एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो ऑसिलिक और साइट्रिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। अब देखो बहुत जन कमेंट्स करेंगे नहीं भैया साइट्रिक नहीं होता है, एक बार आप अच्छे से पता करने के बाद कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो श्योर था कि कौन सा एसिड जो है वो टमाटर में होता है, और मुझे ज़्यादातर लगता है ऑप्शन में आपका ये दोनों नहीं होगा, आपके ऑप्शन में ऑसिलिक एसिड आपका होगा, लेकिन अगर ऑसिलिक ऑप्शन में नहीं होगा तो साइट्रिक आपको मारना था, साइट्रिक नहीं होगा तो मैलिक आपको मारना था, ठीक है ना। ये चीज आपको क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया ना, तीनों एसिड जो है वो टमाटर में मौजूद होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑसिलिक एसिड मौजूद होता है, ऑप्शन में तीनों चीज नहीं होगा, कोई एक ऑप्शन में होगा। क्लियर क्वेश्चन आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने, यदि राष्ट्रपति के मृत्यु होने हो जाती है तो कौन पदभार संभालता है, आप सभी को बताना है। तो वाइस प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन तो इजी है, आप सभी का बोल सकते हो, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये वाला, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें। तब क्वेश्चन बोला था हु टेक ओवर इफ द प्रेसिडेंट डाई, देन योर आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्रीरंगापटना जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कावेरी नदी के किनारे, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल इंक्रीज था, अगर कम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन हार्ड है या ऐसा है, मैं ये बोल रहा हूँ कंपैरिजन किया जाए अदर शिफ्ट से जितने भी एग्जाम हुए तो उनके कंपैरिजन में जीके वाला पोर्शन आज थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन तो आपको करवाया हुआ क्वेश्चन करेंट से, कि नासा में सबसे ज़्यादा दिन तक बिताने वाली महिला का नाम आपको बताना था, तो ये क्वेश्चन तो अभी जनवरी के महीने का रिवीजन क्लास में भी मैंने करवाया, सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में करवाया, क्रिस्टिना कोच, ठीक है, नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना को, जिन्होंने एक महिला द्वारा अब तक का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन पूरा किया है, मैंने लिखाया भी था शायद 289 डे समथिंग ऐसा था, जितने उन्होंने इतने दिन जो है वहां पर स्पेंड किए थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब लड़ा गया था, ये आपसे पूछा था, तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और किसके बीच में, तो ये भी आप याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो और कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, 1764। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी हार्ड नहीं बोल सकते अगर एसएससी के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ये सब चीज आप कितने बार पढ़े होंगे एसएससी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, यानी यहां पर बात कर रहा है टेनिस को लेकर, कितने खेले जाते हैं, तो 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो खेला जाता है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ये सब बात कर रहा है यहाँ पर, कि एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, तो टोटल 4। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में भूकंप के कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बना, तो कितने हैं, तो आप बोलेंगे भैया टोटल है 4। हाउ मैनी सिस्मिक जोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, एंड योर आंसर इज 4। तो ये क्वेश्चन मुझे मिला जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था, इसका पूरा पीडीएफ ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका या फिर टेलीग्राम के ऊपर पूरा का पूरा लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ओपन करने के बाद वहां पर खोजिएगा, सर्च मारिएगा सक्सेस की 98 आपको मिल जाएगा, और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मॉक टेस्ट दे सकते हैं किसी भी एग्जाम का, रेलवे, एसएससी और बैंक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, अपने फ़ोन के ऊपर ही एप्लीकेशन जो है आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप सभी डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी आने वाला शिफ्ट है सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छे से आप सभी दीजिएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है ना। चलिए